बहादुरगढ़ शहर के बीचों बीच से गुजर रहे वेस्ट जुआ ड्रोन को पक्का करने और दोनों तरफ सड़क बनाने पर प्रोजेक्ट अब सवालों के घेरे में है। 66 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर इंदिरा मार्केट के लोगों ने सवाल उठाया है। सवाल जायज भी है। ड्रेन के साथ साथ जो सड़क बनाई गई है या बनाई जा रही है वो कहीं पर ऊंची और कहीं पर नीची बना दी गई है। हरियाणवी में एक कहावत है कि मुंह देख टीका किया गया है। यही लगता है कि इस ड्रेन पर बनी सड़क को देखकर इंदिरा मार्केट के पास ड्रेन की सड़क 4 से 5 फुट नीची कर दी गई है। पावर हाउस चौक से लेकर रेलवे रोड के मुहाने तक सड़क ऊंची नीची साफ देखी जा सकती है। लोगों का कहना है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजपाल शर्मा का मकान भी इंदिरा मार्केट में है। राजपाल शर्मा की शिकायत पर जिला उपायुक्त ने मौका निरीक्षण कर लिया है। राजपाल शर्मा ने अपनी ही सरकार के स्थानीय नेतृत्व पर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सड़क की बुरी हालत बनवाने का आरोप लगाया है। उनका इशारा पूर्व विधायक नरेश कौशिक की तरफ है, जिन्होंने पूर्व वाइस चेयरमैन धर्मवीर वर्मा को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। यह आरोप राजपाल शर्मा का ही है। दरअसल सांखौल गांव से लेकर सेक्टर 9 मोड़ के पास तक करीब 4 किलोमीटर लंबी ड्रेन के निर्माण का काम चल रहा है। ड्रेन को पक्का कर दिया गया है और दोनों तरफ सड़क बनवाने का काम चल रहा है। सांखौल गांव से छिकारा कॉलोनी तक सड़क ठीक ठाक बनी है, लेकिन उसके बाद कहीं ऊंची और कहीं नीची सड़क बनी है। सड़क की शक्लें सूरत किश्ती जैसी लगती है। जिला उपायुक्त ने मौका निरीक्षण पर मौजूद अधिकारियों ने दफ्तर में इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। जिला उपायुक्त संजय जून का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। आपका मुदगल, मुदगल जी क्या समस्या है? ये जो नाला बनाया है ना 3.5 फुट जो है बीच में से नीचा कर दिया गया भद्रो के पुल से लेकर और ये जो रेलवे रोड वाला है इसके बीच में 3.5 फुट ज्यादा जानबूझ के नीचे उतार दिया गया। इसको बराबर किया जाए ताकि भविष्य में ये दुकानें ना गिरे और ट्रांसपोर्ट आराम से चलती रहे। डीसी साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ने कोई खास आश्वासन तो दिया है नहीं, हमसे ही पूछ रहे हैं कि क्यों डाउन किया और ये तो गवर्नमेंट का विषय है, वो चलास करें। बड़ी द मैटर बताई थी इससे। शर्मा जी क्या इशू था? इशू तो यही है, दो नगर परिषद के कर्मचारी जो अधिकारी है, ये ड्रेन जो 11 फुट की ड्रेन बनाई है ओल्ड एंड ड्रेन किसी को दिखा नहीं है और जानबूझ कर प्रगमाते हैं अधिकारियों को। ये रोड से 5 फुट नीचे कर दी गई है जो 3 किलोमीटर लंबी है, बीच में कहीं भी नीची ऊंची नहीं है, सिर्फ इंदिरा मार्केट में ये 1000 फुट के करीब है जो उसमें नीची गई है जानबूझ। क्यों की है, क्या वजह रही? भाई लोग पॉलिटिकल इशू है, इसमें राजपाल शर्मा का मकान है, इसमें पॉलिटिकल इशू क्या आ गया? जो पॉलिटिकल इशूज है भाई, यही पॉलिटिकल इशू आ गया इसमें। भाई राजपाल शर्मा बीजेपी का यहाँ पुराना कार्यकर्ता है और उसमें एक और पूर्व वाइस चेयरमैन रवि वर्मा उसका मकान उधर, उसको बचाने के लिए सरकार गए और उधर नीचा कर दिया और बाकी साइड में ऊंचा कर दिया। गांधी मार्केट धर्मशाला के बीच में वहाँ भी नीची थी, वहाँ इन्होंने कहा भी हमने 4.5 करोड़ रुपये अपने पैसे से बनाया है, अगर वहाँ 4.5 करोड़ यह भी बना दे। अधिकारी झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ये गलत है, अधिकारी को बरगलाते हैं। क्या मांग है आपकी? मांग तो ये इसको बराबर कर दिया जाए, बस यही डिमांड है और इसमें बात है ही नहीं। इसका ड्रेन के बारे में एनजीटी की कोई? जी सर, ड्रेन के बारे में एनजीटी से कोई ऑब्जर्वेशन थी, उस बारे में देखना था कि इसमें पोल्यूटेंट्स और वो कचरा वचरा नहीं है, उस बारे में देख रहे थे। क्या बाकी कुछ लोगों की थी दिक्कत की भी आगे कुछ लेवल का इशू है तो वो अभी स्टडी कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। सर सड़क भी बननी है, उत्तरी बाईपास बनना है जो, वो भी तो इसी ड्रेन पर आकर ओपन होना है, उस दिशा में भी कोई प्लानिंग नहीं? वैसा कुछ मैंने अभी कोई, तो ड्रेन में जो एफिलेंट मिला कुछ कि किस तरह का पोल्यूशन? हम चेकिंग इंस्पेक्टर सिर्फ देख रहे, मौका निरीक्षण किया है, बाकी आगे की कार्रवाई करेंगे।